टॉयलेट का एपिसोड नंबर 67 का पार्ट 2 आ गया है। यस, ये देखो, ये 1:22 लंबा है। रात को ही आया था, मैंने बोला फटाफट से भाई देखते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला जो एपिसोड था वो हम लोगों ने 4 दिन पहले अपने चैनल पे देखा ही था। हम लोगों ने उसके सारे सीक्रेट्स भी दिखाए थे, कितना गजब एपिसोड था। हम लोगों ने इस वाले एपिसोड में सीक्रेट एजेंट को भी देखा था, और फिर यहाँ पे क्या लड़ाइयाँ चल रही है, किसने बिट्रे किया है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वाले एपिसोड में नोट डाउन करी थी। सीक्रेट निकाले थे और क्या क्या नई नई एबिलिटीज आई थी, वो सब कुछ देखा था। और हमें पता चल गया था कि टाइटन कैमरामैन जिंदा है, और वो सीधा यहाँ फाइट पे आ गया था। हम लोग देख के इतने एक्साइटेड हो गए थे, तुम्हें तो पता है मैं टाइटन कैमरामैन का कितना बड़ा फैन हूँ। और भाई अपना एंट्री लेके यहाँ पे आया, स्पीकर मैन के साथ आया था मुझे जहां तक याद है। यस, और ये देखो ना, उसके पास ट्रांसफॉर्मर की भी एक पावर आई थी कि वो किसी का भी निकाल के लगा सकता है। चाटा मारा था माफिया की वीडियो को, जो बहुत मजा आया था मेरे को देख के, और स्पीकर मैन ने भी चाटा लगाया था। तो यहाँ पे उसका लगता है स्टोरी का कंटिन्यूएशन होगा। माफिया की वीडियो को हम लोगों ने पहले भी देख रखा था, और यहाँ पर आ गया था साइंटिस्ट टॉयलेट। यस यस यस, लेकिन ये टाइटन्स मरे नहीं थे, ये हमें झूठी खबर बताई गई थी कि ये मर गया। ये शायद सीक्रेट एजेंट का ही काम था, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिकोड किया था। ये देखो, यहाँ पे सीक्रेट एजेंट 2 बार हमें उस एपिसोड में देखने को मिला था यार। और ये स्किबिडी टॉयलेट का अड्डा, ये भी मैंने तुम लोगों को दिखाया था पिछले एपिसोड में, बहुत कुछ था। और यहाँ पे साइंटिस्ट देखो क्या अपग्रेड लेके आया, इसकी दोनों आंखें अब रेड हो चुकी है भाई। और टाइटन कैमरामैन पूरे गुस्से में बोला, मैं तेरे को उखाड़ के फेंकूंगा। ये वाला एपिसोड जो हम लोगों ने देखा, ये बहुत मजेदार था, और अभी इसका पार्ट 2 आ गया है, तो हम लोग अभी ये फटाफट से देखेंगे। लेकिन यार उससे पहले फटाफट से तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तुम लोग देखो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इस तरीके से ऑल पे सेट करके रखो, तभी तो वीडियो आएगी, तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि यार भैया आप सिर्फ स्किबिडी की वीडियो डालते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ माइनक्राफ्ट डालते हो। भाई तुम लोग चैनल देखो एक बार खोल के, तुम लोग कभी चैनल खोल के देखते हो, मैं स्किबिडी का रिएक्शन डाल रखा हूँ, मैं माइनक्राफ्ट डालता हूँ, और मैं हॉरर गेम्स भी कितनी सारी खेल चुका हूँ। और ये वाला गेम प्ले, इस पे मैंने टॉकिंग एंजेला, तुम लोगों ने सुना टॉकिंग एंजेला कितना खतरनाक गेम है, और मैंने उसको रात को 3 बजे खेला था, और देखा था कि सच में खतरनाक है कि नहीं, इसके अंदर में, इस गेम के अंदर में असली भूत है ये बोलते हैं लोग, तो वो मैंने यहाँ दिखाया था। मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ, तुम लोगों की यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई हमें 10 मिलियन पे जाना है यार, अब हमारी 10 मिलियन की रेस शुरू हो चुकी है, 4.51 मिलियन है। अगर तुम वो एक बंदे हो ना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भी तुम्हारे करने से भी बहुत डिफरेंस आएगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, भाई एक क्रिएटर को बहुत अच्छा फील होता है अगर करते हो तो। चलो इसी के साथ स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड नंबर 67 पार्ट 2, इनको भी मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ, भाई बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। और इनका डिस्क्रिप्शन का अगर फर्स्ट लाइन देखे तो यहाँ लिखा है समवन हैज रिटर्न, भाई कोई वापस आ गया है। ओके, कोई रिटर्न हुआ है, कहीं वो टाइटन टीवी मैन तो नहीं है यार? हो सकता है टाइटन टीवी मैन का फाइनली इन्होंने रिटर्न दिखा दिया है हमें। एपिसोड 66 के एंडिंग में यहाँ पर हमें दिखा दिया गया था कि भाई टाइटन टीवी मैन आ रहा है, तो हो सकता है उसी की बात हो रही हो। तो चलो भाई देखते हैं, लेट्स गो। ये रहा फाइट कंटिन्यू, और इसका डिस्गस्टिंग स्माइल, टाइटन कैमरामैन बोल रहा तेरे को तो मैं मार दूंगा यार, लेट्स गो। ये इसका चेंज ऑन, ओ फर्स्ट अटैक इतनी जल्दी, 2 vs 1 में ही, बहुत बढ़िया। और भाई ओ तेरी, साइंटिस्ट तो बहुत स्ट्रांग हो गया यार, लेकिन स्पीकर मैन ने इसके कान में घुसा दिया है। ओ भाई 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 भाई, साइंटिस्ट तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है ना, ये देखो इसने ये क्या लेके आया है, ये तो वो एसिड वाला वेपन लग रहा है ना जो अभी हम लोग देख रहे थे, इसने सब अपग्रेड कर लिया है, अपने अंदर सब लगा लिया है। स्पीकर मैन ने यहाँ इसके मारा तो भी इसको कुछ नहीं हुआ, इसने एक बार में टाइटन कैमरामैन को देखा यहाँ पे किस तरीके से फेंक दिया, तो फिर स्पीकर मैन को आके हमला करना पड़ा। बाप रे, देखो यहाँ टाइटन कैमरामैन कैसे गिरा है, इससे ही पता चल रहा है कि देखो टाइटन स्पीकर मैन कितना स्ट्रांग हो चुका है। 2 vs 1 में भी साइंटिस्ट इतना स्ट्रांग चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है यार। ओ, स्पीकर मैन का कोल्ड लेजर से यूज किया, वाओ फोड़ दिया एक ही बार में। अरे बाप रे,
भाई भाई यार ये साइंटिस्ट तो बहुत गंदी तरीके से मार रहा है यार। अब यहाँ पे तुम लोगों ने देखा जैसे ही साइंटिस्ट ने मारा और ये टूटा नहीं है, देखो इसका डरा हुआ फेस, ये डर गया कि भाई ये एसिड मेरे चेहरे पे गिरेगा तो मैं खराब ना हो जाऊं। लेकिन फिर भी फटा तो भी कुछ नहीं हुआ, और ये लेजर इसके मुंह पे गिरा तो भी इसको कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ये देखो इसने एक और नया अपग्रेड निकाला है। साइंटिस्ट कितना अपग्रेड लेके आया है टाइटन से लड़ने के लिए। भाई हमारे टाइटन से कितनी नफरत करता है यार, उसने सीधा कोर पे हर्ट किया। और ये देखो टाइटन कैमरामैन फिर आ गया, उसका हाथ काट दिया इसने। और ये फिर से यहाँ पर फेंकने लगा था, तो इस बार किसने मदद करी? ये कौन आया है? ओ ग्लिच प्लंजर मैन, लेट्स गो, आई कम सही टाइम। अरे ओ इसको मार दिया। एपिसोड 57 में भी एक प्लंजर मैन को मारा था, तुम लोगों ने देखा था ना। और यहाँ पर भी हमें एपिसोड 67 में सीधा 10th एपिसोड के बाद मारा, तो देख टाइटन कैमरामैन ने मारने आ गया। और जीमैन आ गया, और ये अस्थि वाला जीमैन लग रहा है मेरे को तो। ओह माय गॉड, ये क्या है? और बाप रे बाप, ये कौन ने अपग्रेड, ये मुंह से चेन निकाला है देखो। ओ हो, साइंटिस्ट की आंख निकल गई वो लेजर वाली टाइटन कैमरामैन ने इतनी बुरी तरीके से मारा, लेकिन तो भी ये एक नया अपग्रेड लेके आया। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये टाइटन कैमरामैन का कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। हो एक मिनट, यहाँ दो चीज हुई। यहाँ पे साइंटिस्ट टॉयलेट है निकाल के ये खा लिया, इसका लेंस निकाला अपने टाइटन कैमरामैन का। और फिर हम लोग जो सोच रहे थे कि ये स्पीकर है, तो इस छाती में से टीवी निकला। भाई पहली बात तो साइंटिस्ट खाया कैसे लेंस को, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कोई चीजों को खा के भी पावर गेन कर सकता है, ये इसने नया अपग्रेड निकाला है। और यहाँ पर टीवी, भाई भाई टाइटन टीवी नहीं आया, ये उसका टीवी लेके आया है। क्या चल रहा है तेरी? ये तो ओहो इल्यूजन फैलाएगा ये। अल्ले हो, ओ माय गॉड, टाइटन कैमरामैन को इससे हिप्नोटाइज कर दिया, टाइटन कैमरामैन ने खुद को मार लिया। बाप रे बाप, तो यानी जो रिटर्न हुआ है वो जी मैन, ये असली जी मैन है। और जी मैन का बॉडी देखो, इसने यहाँ पे क्या क्या लगा रखा है। इसके पास भी एक आर्क रिएक्टर है, लेकिन कैमरामैन ऐसे मरेगा ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। भाई यार ये लोग टाइटन कैमरामैन के साथ इतना बुरा क्यों दिखा रहे हैं यार? वो बेचारा पहले वहां पर एकदम मर गया था, फिर भी वो यहाँ आया और यहाँ पर आके ऐसे फाइट कर रहा है। और अपना स्पीकर मैन कहाँ है यार? स्पीकर मैन कब जाके गिर गया था? उसके बाद में प्लंजर मैन आके बचाया था, तो स्पीकर मैन उसके बाद से अभी तक फाइट में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया इस वीडियो में। यहाँ पर वो बीच में बस, यहाँ पर जो उसने आर्क रिएक्टर से मारा उसके बाद वो नीचे गिर गया, उसके बाद वो आया ही नहीं। और यहाँ पर टाइटन कैमरामैन मरने वाला है यार। अभी इसका लगता है पार्ट 3 भी आएगा, ऐसा नहीं कि एपिसोड 68 आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्लिफहैंगर है, यहाँ पर रोक दिया है। गाइस तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग बताना। और मेरी लास्ट रिएक्शन वीडियोस एंड हॉरर गेम्स तुम लोगों को दिख रही है, आज तुम लोगों का चैलेंज है, सारी वीडियोस जाके देखो, मैंने तुम लोगों को दिखाया है 10 मिलियन तक पहुंचना है, तो फटाफट से चलो वीडियोस देखते सब्सक्राइब करो। तो चलो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस में, तब तक हम लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं। टिल देन बाय बाय।